तो यहाँ जंगल में क्या भालू वालू पाए जाते हैं? भालू हाथी बता है, भालू हाथी भी बता है। तो यहाँ पर चखने का भी इंतजाम है। मेन आइटम तो रात को चलेगा। जा रहे हैं यहाँ से कोयल व्यू पॉइंट, और जहाँ से एक वैली है जहाँ पर नीचे कोयल नदी बहती हुई दिखती है, तो इस जगह का नाम पड़ा है कोयल व्यू पॉइंट, जो बस 1 किलोमीटर बचा हुआ है और 2-3 मिनट में पहुँच जाएंगे। आगे कोयल व्यू पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट पर, जिसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती। और वो ये तो गजब पॉइंट है भाई, क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो कहाँ झील है, बोला झील, वो जो नदी है ना, वो नदी जो बालू में दिख रही है वही कोयल नदी है, वो जो इधर से बह के उधर जा रही है, इसीलिए इसका कोयल व्यू पॉइंट नाम है। तो ये भी यहाँ से वैली है, एक तरह का कोयल नदी बहती है यहाँ से, तो इसका नाम है कोयल व्यू पॉइंट। यहाँ पे राफ्टिंग वाफ्टिंग किया जाए तो बहुत मजा आएगा। नदी तो जाने के लिए बहुत नीचे उतरना पड़ेगा राफ्टिंग करने के लिए, मतलब प्लेन में है वो, पूरा पहाड़ से नीचे, पूरा पहाड़ से पूरा नीचे, पहाड़ से पूरा नीचे है वो। कोयल नदी ना भाई दसम फॉल पे है, दसम फॉल में तो कांची है, कांची है ना। चलो हमको यहाँ से हल्दीराम का आइटम सब दिख गया, एकदम जरूरी। तो यहाँ पर चखने का भी इंतजाम है। मेन आइटम तो रात को चलेगा। अरे आइए पहले फोटो वोटो खिंचाते क्या आप भी, पहले मूंग दाल ले लीजिए बैठ के खाया जाए। सुबह से जो बंदा है ना रात की तैयारी कर, तेरा रात की तैयारी में बिजी है। मूंग दाल नहीं है, मूंग दाल है ना, अभी खाते हैं भुजिया है, झाल। अच्छा नेदरहाट लेक यहाँ से कितना दूर है? नेदरहाट तो खड़ा है भाई। अच्छा वहाँ नहीं, लेक लेक जो है बगल में, बगल जो वहाँ सामने तक जा सकते हैं, वहाँ यहाँ कटे ना, हाँ वहाँ नीचे घुस जाइए। अच्छा अच्छा, मैंने हम लोग यहाँ दाहिना कटे तो आगे जाके राइट भाया। अच्छा सुनो ना, लेक ऐसे जाइएगा पूरा ऐसे टर्निंग। अच्छा ठीक है, खा लीजिए भुजिया साहब। क्या नाम है आपका? मेरा संतोष नाम है। अच्छा अच्छा, आप यहाँ के लोकल हैं। तो यहाँ जंगल में क्या भालू वालू पाए जाते हैं? भालू हाथी बता है, भालू हाथी भी बता है। एक बार हाथी आ सकती है, हाथी ये जंगल पे आया था, कैंप आदमी आया था डिप्टी, वो सब डरे भाग लगा बंद को टांग टांग के। अच्छा अच्छा, कैंप का आदमी। भालू और हाथी भी है? हाँ हाथी भी है। अच्छा अच्छा, शेर और भी है क्या, लायन बाघ है सब? शेर बाघ सब सब है, सब है यहाँ पर, सब है। अच्छा अच्छा, वहाँ चीता खोजेगा सब है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग को कुछ डर नहीं लगता है? नहीं, बंदूक से मारते हैं। अच्छा बंदूक को रखते हैं आप लोग? हाँ घर में रखते हैं बंदूक। अच्छा मारते हैं उससे डरता है। जो कोयल नदी है वो पहाड़ से एकदम नीचे है ना? कोयल नदी हाँ, इधर से जाके उधर जाके उधर जा रहा है भैया। अच्छा उधर जा रहा है, तो पहाड़ से एकदम नीचे प्लेन में है ना? हाँ प्लेन में है, उधर रोड भी है, उधर बहुत गाड़ी चलता है। इधर कौन सा शहर है इसका? कोयल नदी जो है वहाँ कौन सा शहर बसा हुआ, कौन सा जगह है वो नीचे में? नीचे में जगह का नाम कुछ होगा ना? नहीं तो गाँव का नाम, गांव का नाम, मतलब गांव का नाम, वो तो नेतरहाट में नहीं आएगा ना, वो तो दूसरा जगह होगा। हाँ हाथी बता है, चौका खारे बता है, चिल्लम पोखरी बता है। अच्छा अच्छा हाँ, ये सब दो है। जंगल इधर इधर जो है जंगल है, इधर जंगल है, बीच में भी होगा कभी तो काट दिया सबको? नहीं उधर मजे आएगा, तो भालू चाप देगा, दो गो रांची का भालू काट दिया था। अच्छा अच्छा, तो यहाँ बीच में भी कभी जंगल होगा ऐसा होगा? आप साफ किए हुए हैं क्या है ये सब में जगह में भी जंगल होगा कभी तो काट दिया गया? नहीं नहीं है, ये सब अपने उगा है कि रोपा हुआ है? सब ये सब रोपा हुआ है, रोपा हुआ है, बांगर बाहर से आया है बाहर से। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी लोग लेकिन बहुत आ रहे हैं पिकनिक सीजन। हाँ। मैं अभी मेन सीजन शुरू है क्या? गर्मी के दिन में भी आते होंगे? हाँ बहुत आता है। ये जो आप फॉरेस्ट देख रहे हैं ये है पाइन के फॉरेस्ट, यानी चीड़ के पेड़।
तो ये पेड़ों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जंगल का जो मतलब वन जो है यहाँ पर पेड़ की संख्या काफ़ी घना है, काफ़ी घने पेड़ हैं इसलिए पेड़ काफ़ी लंबे लंबे यहाँ पर हो जाते हैं। तो मैंने अभी जिस लोकल से बात किया हुए कह रहे थे कि इन पेड़ों को मतलब रोपा गया है यानी ये खुद ब खुद नहीं उगे हैं अब, ये तो पक्के तौर पर मैं आपको नहीं कह सकता कि ये पेड़ वास्तव में खुद ब खुद उगे हैं या इन्हें कोई इन्हें किसी ने रोपा है, खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ पर ये फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं और काफ़ी घने भी हैं और कुछ कुछ पेड़ों को यहाँ पर काटा भी गया है। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि यहाँ पर जानवर भी शेर बाघ और चीते भालू ये सारे जानवरों का भी यहाँ पर खतरा रहता है तो वे उन्हें मारने के लिए अपने घरों में बंदूक भी रखे हुए होते हैं। तो यह काफ़ी अजीब बात है कि जंगल के बीच में रहते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम भी ये मतलब किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ पेड़ों को काटा गया है, कुछ कुछ पेड़ों को यहाँ पर भी काटा गया है। तो दोस्तों कोयल व्यू पॉइंट आपको कैसा लगा ये मुझे आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा और अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा होटल प्रभात विहार से सनराइज़ का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि होटल प्रभात विहार से सनराइज़ काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। तो आप इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का और तब तक के लिए गुड बाय, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप इंजॉइंग।